तो आज हमने क्या काम करना है भाई? आज हमने करना है केस नंबर 5, कंस्ट्रक्टिंग लॉजिक गेट्स फ्रॉम अ गिवन सिनेरियो। सिनेरियो हमारे पास क्या दिया हुआ है भाई? हमें एक यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4 है, इसके अंदर हमें बोला हुआ है कि भाई एक फैक्ट्री है विच मैन्युफैक्चर्स क्लीनिंग प्रोडक्ट, ठीक है, हैज अ सिस्टम दैट मॉनिटर्स कंडीशन थ्रू आउट द मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस। जब जब मैन्युफैक्चरिंग हो रही होगी तो वो क्या चीज देख रहा होगा भाई? कंडीशन देख रहा होगा, सही है भाई। इनपुट्स टू द सिस्टम आर ए टी एंड पी, सही है। ये हमारे पास क्या है? इनपुट्स। ए के अंदर बाइनरी वैल्यू या तो 1 है या तो 0 है, टी में भी या तो 1 है या तो 0 है, एस सॉरी पी में भी हमारे पास या तो 1 है या फिर 0 है, ठीक है। तो मैंने कहा भाई ए के अंदर भी हमारे पास 1 0, टी में भी हमारे पास 1 0, पी में भी हमारे पास 1 0, ठीक है। मैंने क्या कहा कि भाई जब हमारे पास वैल्यू 1 होती है तो हम डायरेक्टली इनपुट लिखते हैं, जब वैल्यू 0 होती है तो हम नॉट ऑफ इनपुट लिखते हैं, ठीक है। चलो अब इसी चीज को देखते हुए हमें ये एक पूरी की पूरी कंप्लीट चीज सॉल्व करनी है। सबसे पहले चीज तो मुझे यहाँ पे बोला हुआ है द सिस्टम विल साउंड एन अलार्म व्हेन सर्टेन कंडीशंस आर डिटेक्टेड, सही है। तो कब करेगा भाई साउंड? जब हमारे पास प्रेशर क्या हो ग्रेटर देन इक्वल टू 80%। ग्रेटर देन इक्वल टू 80% कब है भाई हमारे पास? जब यहाँ पर 1 आ रहा है, सही है। तो मैंने कहा भाई जब हमारे पास पी होगा, एंड एंड गेट आ गया, टेम्परेचर क्या हो भाई? ग्रेटर देन इक्वल टू 35 डिग्री। टेम्परेचर क्या हो भाई? ग्रेटर देन इक्वल टू 35 डिग्री। तो टी क्या है भाई उस वक्त? 0 है, यानी नॉट ऑफ टी, ठीक है। यहां तक बात समझ आ गई? इसी तरीके से इसका बनाकर दिखा सकते हो भाई, क्या बनेगा देखो भाई। सो यहां पर हो क्या रहा है, याद करो भाई हमने क्या पढ़ा था? हमने कहा था इन द प्रीवियस केस वी स्टडीड, हमने उसमें ये चीज पढ़ी थी कि भाई अगर हमारे पास 0 लिखा हुआ होगा तो उसका क्या मतलब होगा? नॉट ऑफ दैट इनपुट, सही है। और 1 लिखा हुआ होगा तो उसमें हम क्या बोलेंगे कि भाई वो इनपुट है, सही है। या तो डायरेक्टली वो इनपुट आ रहा है या फिर उसका नॉट गेट आ रहा है, सही है। नॉट गेट जब आ रहा है, मैंने कहा भाई ए मैं असाइन कर रहा हूँ 1, नॉट ऑफ ए क्या होगा? 0 होगा, यानी नॉट ऑफ 1 क्या होगा भाई हमारे पास? 0 होगा। तो हमेशा जो भी हमारे पास गेट होता है, जो भी हमारे पास इनपुट होता है, उसको हम क्या चीज असाइन करते हैं? 1 असाइन कर देते हैं, और उसके नॉट को हम क्या चीज असाइन कर देते हैं? 0 असाइन कर देते हैं, ठीक है भाई, ठीक है। यहां तक ये वाली चीज समझ आ गई? ठीक है, सो जस्ट कीप दिस थिंग इन माइंड, और इसी को देखते हुए अभी हमने केस 5 करना है। केस 5 के अंदर भी हमें यहाँ पर यही चीज दी हुई है कि भाई ए की वैल्यू मेरे पास 2 चीजें दी हुई है बाइनरी में, एक 0 और एक 1। मैंने कहा कि भाई जब हमारे पास 1 वैल्यू होगी तो यहाँ पर क्या यूज होगा? ए यूज होगा। जब 0 होगी तो हम क्या यूज करेंगे? नॉट ऑफ ए यूज करेंगे। सिमिलरली जब टी होगी तो क्या यूज होगा? टी। और जब 0 होगी तो क्या यूज होगा? नॉट ऑफ टी। जब 1 होगा तो क्या यूज करेंगे? पी। और जब 0 होगा तो क्या यूज करेंगे? नॉट ऑफ पी, ठीक है। कीपिंग दिस थिंग इन माइंड, अब हमें यहाँ पर क्या चीज बनानी है? एक लॉजिकल एक्सप्रेशन बनाना है, ठीक है भाई। चलो सो अब जब हम यहाँ पर लॉजिकल एक्सप्रेशन बना रहे होंगे तो अब हमें इन चीजों को देखना है। प्रेशर ग्रेटर देन इक्वल टू 80% कहाँ पर है? मैंने कहा भाई ये रहा, जब हमारे पास प्रेशर ग्रेटर देन इक्वल टू 80% है तो उस वक्त हमारे पास वैल्यू क्या आ रही है भाई? 1 आ रही है, ऐसे ही है। 1 के ऊपर क्या है? पी है। तो मैंने कहा कि इसको मैं यहाँ पर रिप्लेस कर दूंगा किससे? पी से। बीच में क्या आ रहा है भाई? एंड आ रहा है, तो यहाँ पर एज इट इज क्या आ जाएगा? एंड गेट आ जाएगा। फिर हमें देखना है भाई टेम्परेचर ग्रेटर देन इक्वल टू 35 डिग्री। सो टेम्परेचर ग्रेटर देन इक्वल टू 35 डिग्री, ये रहा। इस केस में हमारे पास क्या चीज है भाई? नॉट ऑफ टी है, तो इधर क्या आ जाएगा? नॉट टी आ जाएगा, सही है। सिमिलरली अगले अगला हमारे पास क्या आ रहा है भाई? और आ रहा है, हमने कहा भाई और गेट आ गया बीच में। दूसरा ब्रैकेट हमें यहाँ से बनाना है, दूसरा ब्रैकेट भी बना लेंगे भाई। टी इज लेस देन 35 डिग्री, लेस देन 35 डिग्री पे 1 आ रहा है, और 1 पे हमारे पास क्या चीज है? टी है। तो मैंने कहा भाई यहाँ पर आ जाएगा क्या? टी। यहाँ पर क्या आ गया भाई? टी आ गया। बीच में कौन सा गेट है? एंड। एंड गेट आ गया। पीएच ग्रेटर देन 7, पीएच ग्रेटर देन 7 कहाँ पर है? ये रही। यहाँ पर क्या वैल्यू है भाई? 1 है। 1 की इनपुट क्या है? ए है। तो डायरेक्टली यहाँ पर क्या आ जाएगा? ए आ जाएगा।
एक ब्रैकेट हमारे पास ये क्रिएट हो गया। अगर मैं इसको साथ लिखता हूं तो इट विल बी लाइक टी एंड नॉट ऑफ टी, सही है। फिर उसके बाद और टी एंड ए, सही है। तो यहाँ पे मेरे पास जगह कम है, इस वजह से मैंने नॉट ऑफ टी इस तरीके से लिख दिया। उसको आप लोगों ने अपने पास ऐसे ही लिखना है। यहां तक बात समझ आ गई कि भाई ये चीज कैसे क्रिएट हुई है? हाँ भाई, बाकी लोग भी जल्दी जल्दी बताओ। हाँ, केस फाइव के बाद उसको भी देख लेते। अब हमें क्या करना है भाई, अगर ये चीज बनानी आ गई है तो फिर अब हम क्या करेंगे, इस चीज का सर्किट ड्रॉ कर लेंगे। सर्किट ड्रॉ करने में भाई कोई मसले की बात नहीं है। दो ब्रैकेट्स को कौन जोड़ रहा है हमारे पास, और गेट जोड़ रहा है। और गेट कहाँ पर आ जाएगा, इधर आ जाएगा लाइक दिस, ठीक है। तो यहाँ पर और गेट बना लेंगे। सही है भाई, और गेट आ गया। और गेट ज्वाइन हुआ है किससे, पी एंड नॉट ऑफ टी। तो सबसे पहले भाई नॉट ऑफ टी बना लो, और इसको पी के साथ क्या करना है, एंड करना है। तो यहां से ये आ जाएगा हमारे पास नॉट ऑफ टी, यहाँ से पी आ जाएगा, दोनों को एंड कर दिया, सही है। फिर उसके बाद टी एंड ए था, तो ए आ गया। नॉट के पीछे से हमें क्या चीज लेकर आनी है, नॉट के बैक साइड से हमें क्या चीज लेकर आनी है, टी लेकर आना। नॉट गेट के आगे से अगर हम यहाँ से टी लेकर आएंगे तो फिर क्या मसला आएगा, कि यहाँ से हमारे पास नॉट ऑफ टी आएगा। इसीलिए नॉट गेट के बैक एंड से जो वायर इससे कनेक्ट हो रही है, उधर से हमें एक इनपुट लेना है और जाकर ज्वाइन करना है, ठीक है भाई। इस तरीके से हमारे पास ये कंप्लीट लॉजिकल सर्किट क्रिएट हो गया। यहां तक किसी का कोई सवाल? लेट्स मूव टू अनदर क्वेश्चन। यहां पर हमारे पास तीन इनपुट्स हैं, एक है जी, एक है सी और एक है एल। जब यहाँ पर हमारे पास वन है बाइनरी वैल्यू, तो यहाँ पर क्या आएगा भाई, जी आएगा। जब यहाँ पर जीरो है बाइनरी वैल्यू, तो यहाँ पर क्या आएगा, नॉट ऑफ जी आएगा, ठीक है। सेम गोज विद ऑल ऑफ देम। अब हमने कहा कि भाई आउटपुट एक्स इक्वल्स टू वन इज जनरेटेड अंडर द फॉलोइंग कंडीशन। कंडीशंस क्या है, गैस प्रेशर इज करेक्ट, कार्बन मोनोऑक्साइड लेवल इज टू हाई। चलो भाई, गैस प्रेशर इज करेक्ट कहाँ पर है, ये रहा, दिस इज एट बाइनरी वैल्यू वन। तो यहाँ से हमें क्या चीज मिलेगी भाई, डायरेक्टली जी मिलेगा, ठीक है। फिर दूसरा क्या है भाई, कार्बन मोनोऑक्साइड लेवल इज टू हाई, कार्बन मोनोऑक्साइड लेवल इज टू हाई, ये रहा कहाँ पर है भाई, जीरो के ऊपर। जीरो से हमें यहाँ पर क्या चीज मिलेगी, सी नॉट, ठीक है। तो इट विल बिकम जी एंड नॉट ऑफ सी, ये एक चीज आ गई। और गेट बीच में पहले से लिखा हुआ है, कार्बन मोनोऑक्साइड लेवल इज करेक्ट, तो भाई करेक्ट कहाँ पर है, ये रहा वन है इसकी वैल्यू, तो इट विल बी सी। सिमिलरली गैस लीक इज डिटेक्टेड, गैस लीक इज डिटेक्टेड, ये रहा वैल्यू क्या है भाई, जीरो। यहाँ से क्या आ जाएगा भाई, एल में नॉट गेट लगकर आ जाएगा, सो इट विल बी सी एंड नॉट ऑफ एल, ठीक है। इसी चीज को हमें क्या कर लेना है भाई, नीचे ड्रॉ कर लेना है, ड्रॉ कर लेंगे। बीच में क्या है भाई, और गेट है, ये चीज अच्छी बात है, हमें पता चल गई है। तो यहाँ पर हमने एक और गेट क्रिएट किया लाइक दिस,
जी एंड नॉट सी, जी एंड नॉट एल। तो भाई एल के ऊपर हमारे पास एक क्या आ जाएगा, नॉट गेट आ जाएगा। और एक नॉट गेट आ जाएगा कहां पर, सी पर। ठीक है, यहां से जी आया, इसको हमने नॉट ऑफ सी के साथ ज्वाइन कर दिया, एंड गेट। सही है भाई, लाइक दिस। दूसरा क्या है भाई, सी एंड नॉट एल। सी कहां से मिलेगा, यहां से। और यहां से हमारे पास नॉट एल आ जाएगा। एंड इट विल बी क्रिएटेड कनेक्टेड टू दिस एंड गेट। ठीक है भाई, तो इस तरीके से ये बन जाएगा। ठीक है भाई, इस तरीके से हमारे पास बन जाएगा। यहां तक कोई किसी का कोई सवाल? पेंसिल से बनेगा, ठीक है, पेंसिल से बनाना। सबको क्लियर हो गया? आयान समझ आ गया? हाँ, लॉजिकल सर्किट्स पेंसिल से बनेंगे।